धक्केशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारतीय एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान एकता जिंदाबाद। धक्केशाही नहीं चलेगी, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमारी मांगे पूरी करो। कारण ये है कि कई सालों से, कई काफ़ी समय से हमारा किसानों का और आढ़तियों का बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा था। मंडीकरण से किसान भी यहाँ पे खुश था और खुशहाल था और आढ़ती भी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन अब पता नहीं सरकार क्यों एक अच्छे सही सिस्टम को चल रहा था जिससे किसान को उसकी फसल का दाम ठीक मिल रहा है, आढ़ती अपनी जगह रोजगार पे है, उसके साथ साथ उसको किसानों को साथ साथ मजदूरों को और मुनीमों को सबको रोजगार मिला हुआ, सारा काम चल रहा है और किसी को कोई शिकायत भी नहीं थी। तो सरकार इस चलते हुए सिस्टम को पता नहीं क्यों ख़राब करना चाहती है अध्यादेश के माध्यम से। इन माध्यम से सरकार चाहती है कि मंडीकरण बंद कर दिया जाए, मंडी के बाहर जो है वो कंपनियाँ जो हैं वो बगैर उसके टैक्स के माल खरीद रहे ताकि किसान जो है वो मंडी में ना ला सके, और किसानों को न्यूनतम मूल्य जो यहाँ पे मंडी में आके मिल रहा है धीरे धीरे वो उनका न्यूनतम मूल्य भी खत्म हो जाए। अगर ये सिस्टम में मान लो कि जैसे सरकार हमें गुमराह कर रही है, ये किसानों को गुमराह कर रही है कि ऐसे किसानों को आज़ादी दे रही है, तो किसान तो पहले भी आज़ाद था। अफसरशाही नहीं चलेगी, हमारी मांगे पूरी करो।